राजधानी भोपाल की बैरसिया विधानसभा क्षेत्र की एकमात्र गल्ला मंडी इन दिनों अव्यवस्थाओं का शिकार है। आलम यह है कि मंडी में किसान के लिए ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खाने की कोई व्यवस्था। यही नहीं, मंडी में घूमते आवारा जानवरों से भी किसानों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिससे किसान काफी परेशान। नहीं नहीं, मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर भी शासन द्वारा जो लाखों रुपए आया है वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जब मीडिया के लोगों ने मंडी प्रांगण में पसरी अव्यवस्था को लेकर जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए। नहीं, जब सुलभ शौचालय अब 6 लाख की लागत से उस टाइम बना था और 15 साल से चालू नहीं हुआ, और इसके बाद अभी मेंटेनेंस नाम से 3 लाख रुपए निकाल लिए, फिर भी चालू क्यों नहीं किया अभी तक? अब मंडी सचिव साहब जाने क्या व्यवस्था नहीं हुई तो ये हम तो ही उसकी अभी अब चालू क्यों नहीं करा उन्होंने? वो मंडी में साफ सफाई भी नहीं होती टाइम से। हाँ, वो तो नहीं होती है, मगर वो ठेका हुआ उसका भी मंडी में। कितने का ठेका है ये मंडी का? ये तो अपन को मालूम नहीं है कितने का है, मगर ठेका जरूर मंडी में। कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? 4-5 लोग करते हैं, झाड़ू वाले पूरे कैंपस में। हाँ, ये अपना जो सुलभ शौचालय है ये मंडी बोर्ड द्वारा निर्माण किया गया है, इसके पश्चात अभी उसकी ठेके की प्रोसेस चल रही है। पूर्व में मंडी बोर्ड द्वारा ठेका दिया गया था, जिसके द्वारा ठेकेदार द्वारा अपने पोजीशन में नहीं लिया गया, ना ही कोई कार्य किया गया। शौचालय तो चालू है अपना, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे चल के। तो जानवरों का है पर नगर निगम नगर पालिका अपन लिख चुके हैं कई बार, क्योंकि सुअर वाला वो है मामला, तो चिट्ठी तो अपन लिख चुके हैं उनके लिए, अभी लिखी थी हमने।